इतनी खुशी है, या तो जब हमारा लड़का पैदा होए जब होए इतनी खुशी, या हमारे लड़का की शादी होए जब खुशी होए, इतनी खुशी है, मतलब इतनी खुशी है हम कुछ कह नहीं सकते। बड़ी बात है मोदी जी जो है, मतलब युवा भाई इतने घमंड में आगे हुआ, ये मालूम नहीं भाई रावण जैसे घमंड नहीं छोड़े, तो हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार के ऊपर देश चल रहा है, भगवान का भजन करें और हमारे सारे शहीद हुए तक जो है अपने जिम्मेदार में कोई लफ्ज नहीं लाए। आज उनके लिए हम धन्यवाद करें भाई, हमारी जो सुन ली उन्होंने हम, बड़ी अच्छी बात है जी, खुशी मना रहे हैं, अपनी जश्न मनाएंगे और ये हटाएंगे। हमारी मांग पूरी कर दी सरकार ने, तो फिर हम यो काय के बैठेंगे, हम तो घर से फालतू तो रही है, हमारे बालक भी हैं, वीरवानी भी है, अरे हमें चेतन में तो फुर्सत न हो, हमारी तो यू मजबूरी बन रही, हम तो सरकार से बार बार यहाँ कह रहे हैं भाई हमारी मान, हम जो किसान है, अरे हम ते भी भगत के हैं, देवता के हैं, किसान थे, हमारा शास्त्र में पढ़ के देखो, आज अन्नदाता हैं हम कोई वैसा लफार नो डोल रहे बनो ही करते फालतू डोल रहे हैं, हमारे बालक हमारी इतनी जो सेवा करें, हम काय के जाड़े में मरे हम, सिकन चौमासे में मरे हम, गर्मी में हम मरे, जो कि हमारे बालक जो खाट से नीचे ना उतरने हम। जो ये किसान आंदोलन को सफलता मिली है, निश्चित तौर पर ये किसानों की जीत है, और इन हमारे किसान भाइयों ने ये भी एक अपने आप को साबित कर दिया है कि जो ये बीजेपी की सरकार भाईचारे में फूट, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो ये राजनीति कर रही है, हमारे किसान भाइयों ने ये दिखा दिया है कि अगर सच्चे मायने में अगर कोई देशभक्त है तो वो अपना भाईचारा है, और ये 36 बिरादरियों ने ये मिलजुल कर ये किसानों की लड़ाई लड़ी है। इस किसान आंदोलन में जहाँ किसानों का पसीना बहा है, वहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपना खून देने का काम किया है। आज मैं दिल से एक ही आवाज़ कहना चाहूँगा, धन्य है ये इलाका, आज 52 पायल के 36 बिरादरी के लोगों ने, पूरे देश के किसानों ने ये जीत मिलकर जो हासिल की है, ये बीजेपी के मुंह पर एक बहुत बड़ा चाटा है कि जो ये जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आज पूरा देश एक खड़ा हो गया। सर छोटू दीन बंधु जी ने एक ही बात कही थी, ए भोले किसान दो बात जान ले, एक अपना दुश्मन पहचान ले, एक बोल ना जान ले। तो मैं अपने किसान भाइयों से, अपने इलाकों से ये कहना चाहूँगा, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये बीजेपी सरकार कभी हमारा भला नहीं करती, हमारे बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी कभी बीजेपी की वोट नहीं दिया करते थे। आज इन्होंने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी अगर किसान मजदूर की कोई दुश्मन है तो बीजेपी सरकार। बहुत खुशी का माहौल है, इतने करीब 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए हैं, तो आज किसानों की जीत के कारण ये अच्छा जुलूस निकाला जा रहा है पलवल क्षेत्र में, और बाकी बहुत खुशी है जो हम किसान भाइयों को जीत मिली है। एक साल से यहाँ डले हुए हैं, लोगों को संघर्ष किया है, लोगों ने पूरे बुजुर्गों ने संघर्ष किया है, तो हम चाहते हैं कि जैसे जीत हुई है मोदी की उससे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज तंबू अम्बू सब हट के अपने घर रवाना हो जाएंगे, ज़्यादा बुजुर्ग भाइयों ने हमारे साथ संघर्ष किया है, एक साल से जो पड़े हैं भूखे प्यासे अपने बच्चों को छोड़ के परिवार को छोड़ के, तो आज उनको बहुत धन्यवाद उनके लिए।